नमस्कार दोस्तों, स्वर्णा की रसोई में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे आम का अचार। मैंने पहले भी हरी मिर्च का अचार बनाया था, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आज मैं आम का अचार पंजाबी स्टाइल से बनाऊंगी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आम का अचार कई प्रकार से बनाया जाता है। इसके लिए आम को रात को भिगोना पड़ता है और फिर उसको अच्छी तरह से पोंछ करके साफ करना पड़ता है और फिर काट करके इसको सुखाना पड़ता है। मैंने ये आम लिया है, इसे रामकेला आम कहते हैं। आम हमेशा गोल ही लेना चाहिए, इसका अचार बहुत अच्छा बनता है। आज हम पंजाबी स्टाइल से अचार बनाएंगे, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने इसके लिए 8 किलो आम लिए थे, जिसको मैंने परसों रात को भिगो कर रख दिया था और मैंने इसे काट करके, धूप तो नहीं है यहाँ पर ज़्यादा, मैंने पंखे के नीचे सुखा दिया था। अगर आपके यहाँ धूप है तो धूप में भी सुखा सकते हैं। धूप में तो ये 12-15 घंटे में ही तैयार हो जाता है, लेकिन पंखे के नीचे सुखाने में मुझे कम से कम 1.5 दिन लग गया। अब ये बिल्कुल सूख गया है। जब इसको डालो तब इसमें कोई भी नमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अचार में कोई नमी रह जाती है तो आपका अचार खराब हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका मसाला कैसे तैयार किया जाता है। आम का अचार बनाने के लिए मैंने ये सब मसाले लिए हैं। 400 ग्राम सौंफ, 300 ग्राम मेथी दाना, 100 ग्राम कलौंजी, 150 ग्राम लाल मिर्च पाउडर, 150 ग्राम हल्दी पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, मैंने 3 चम्मच लिया है, ये सिर्फ कलर के लिए होता है, तीखी नहीं होती, और 3 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 100 ग्राम जीरा और 600 ग्राम नमक, जिसको मैंने 2 कटोरियों में डाल दिया है, 1 चम्मच हींग और 1 लीटर सरसों का तेल। अब हम सौंफ और मेथी दाना और जीरा इनको भूनेंगे। गैस पे मैंने पैन को रख दिया है और गैस ऑन कर दी है। अब हम इसमें सौंफ डालेंगे। इसको हमें ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का हल्का ही भूनना है। सौंफ हमारी भून गई है, गैस को स्लो कर देते हैं और इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम मेथी दाना भूनेंगे, गैस को ज़्यादा कर देंगे। इन सब मसालों को बिना तेल के ही भूना जाता है। इसे भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, थोड़ा ही भूनना है। मेथी दाना भी हमारा भून गया है, गैस को लो कर देते हैं। इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी में हम जीरा भून लेंगे, गैस को ज़्यादा कर देते हैं। जीरा भी हमारा भुन गया है, इसकी भी सौंधी सौंधी खुशबू आ गई है, गैस को लो कर देते हैं। इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। मसालों को थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर हम इनको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। इनको हमें दरदरा ही पीसना है। सौंफ, मेथे और जीरे को हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, इसको हमें दरदरा ही पीसना होता है। तो चलिए अचार बनाना शुरू करते हैं। आम हमारे अच्छी तरह से सूख गए हैं, इसमें कोई नमी नहीं है। अब हम इसको कप में डाल देंगे। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी।
मेथी डाल दिए हैं, सौंफ, जीरा, काली मिर्च पाउडर, कलौंजी, मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जोर से बोलो, हल्दी, हल्दी पाउडर बोलो, हल्दी पाउडर, मैं इसमें डाल रही हूँ आधा किलो तेल, एक लीटर तेल, आधा किलो तेल, मसालों की कोटिंग के ऊपर अच्छे से होनी चाहिए। अगर मसालों की कोटिंग अच्छे से नहीं होगी तो आपका अचार खराब हो सकता है। मैं इसमें तेल और डाल रही हूँ। हमारे सब पीसीस के ऊपर मसालों की कोटिंग अच्छे से हो गई है। अब हम 5-8 मिनट के लिए इसको रख देते हैं, फिर हम मर्तबान में भरेंगे। इन दोनों मर्तबानों को मैंने अच्छी तरह से गर्म पानी से धो दिया था और मैंने इन्हें सुखा लिया है। इनमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। अगर ज़रा सा भी पानी इसमें कहीं रह गया तो आपका अचार खराब हो जाएगा। तो अब मैं अचार को इसमें भरना शुरू करती हूँ। हमने दोनों मर्तबान में अचार भर दिया है। अब रोज इसको थोड़ा थोड़ा चेक करते रहेंगे और अगर तेल की जरूरत होगी तो तेल और भी डालेंगे। 4-5 दिन के बाद हमारा अचार खाने के लिए तैयार हो जाएगा। 5 दिन हो गए हैं, हम हर रोज इसको एक बार खोलकर देखते थे। नेक्स्ट डे हमने इसके अंदर एक बॉटल तेल की और डाली थी। थर्ड डे हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला। कल फिर हमने इसके अंदर आधी बोतल तेल डाली थी। आज ये अचार हमारा खाने के लिए तैयार है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप भी इसे बनाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा। तो देखा, ये थी हमारी आम का अचार बनाने की रेसिपी। अगर आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।